टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड। आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि युवराज एंड मौके पर प्रशा के पास पहुंच जाता है और वो महिमा की शक की निगाहों से प्रशा को काफ़ी अच्छे से बचा लेता है। युवराज को अपने आगे खड़ा देख प्रशा बड़ी ही सरप्राइजिंगली उससे पूछती है कि तुम यहां क्यों आए हो और कैसे आ गए। तो यहां फ्लैशबैक दिखाया जाता है युवराज की जुबानी, जहां पर वो बताता है कि मैं जब टीवी देख रहा था तब मैंने न्यूज़ देखी और मैंने रुद्राक्ष को देखा तो मैंने सोचा कि शायद ये दोबारा से शादी कर रहा है और ये तीसरी शादी कर रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम्हें इन्फॉर्म किया कि जल्दी से जाओ, रुद्राक्ष खुराना तीसरी शादी करने वाला है। और ये बात सुनकर तुमने बड़े ही अच्छे तरीके से ये भी कहा था कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं भी वहीं हूँ। यही बात सोचकर मैं समझ गया कि ज़रूर महिमा भी वहीं पहुंच जाएगी और अगर महिमा ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परेशानी होने वाली है और इसीलिए मैं तुम्हें अरी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। वेल, अब तुम इतनी सारी चीज़ों के बदले मुझे एक प्यारा सा थैंक यू तो कह ही सकती हो। प्रशा थैंक यू कहती है और युवराज उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बात करता है। प्रशा कहती है कि देखा, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करती, ज़रा सा तुमसे प्यार से बात करो तो तुम सर पर चढ़ जाते हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष अर्जुन से मिलता है, जहां वो उससे मदद के लिए पूछता है। वो उससे कहता है कि हमारे घर में जो महिमा रह रही है वो वही लड़की है जिसने तुम्हें लूटा था और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। अर्जुन वर्मा यहाँ पर सोचता है और रुद्राक्ष को महिमा के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। साथ में उसकी पत्नी खड़ी होती है, वो उसको इंसिस्ट करती है और कहती है कि मुझे रुद्राक्ष खुराना बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट स्टार हैं, तुम इसी के चलते इनकी मदद कर दो ना प्लीज़। फाइनली अर्जुन वर्मा यहाँ पर रुद्राक्ष की मदद करने के लिए मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं लौटकर आपसे कांटेक्ट करता हूँ और मैं पुलिस के सामने गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि कैसे महिमा अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों को लूटती आई है, इसने मेरे साथ क्या कुछ किया है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी सारी मदद की, ठीक है आप अपना हनीमून कंप्लीट करके आइए, उसके बाद आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ये कहकर रुद्राक्ष अर्जुन वर्मा को बाय करता है और अपनी कार की तरफ बढ़ता है। वो अचानक से देखता है कि सब के सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, जिसे देख कर वो मनीमन सोचता है कि ओ माई गॉड, यानी कि अब मुझे ड्रामा करना पड़ेगा। वो प्रशा की ओर बढ़ता है और चीखते चिल्लाते उससे कहता है तुम क्यों आई, मैंने मना किया था ना अपनी शक्ल तक तो मुझे मत दिखाना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, आखिर तुम्हें बुलाया किसने है जो तुम मुंह उठाकर चली आई हो। प्रशा कहती है कि मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मैं तो तुम्हारे बेटे यानी कि सारांश की मदद करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी महिमा ने इसे डिग्गी में बंद कर दिया था जहाँ पर यह बेचारा बेहोश हो गया था। ये बात सुनकर रुद्राक्ष सारांश को देखता है और उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि बेटा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तुझे भी मेरा थोड़ा साथ देना होगा। सारांश कहता है ओके रुद्रा, मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ पर रुद्राक्ष सारांश को हक करता है और पूछता है कि बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना। सारांश कहता है कि हाँ रुद्र, मैं एकदम ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। महिमा की तरफ देखता है रुद्राक्ष, उससे चीखता है चिल्लाता है उसकी क्लास लगाता है। वो कहता है कि तुम कैसी औरत हो, तुमसे मैंने कहा था कि सारांश का ख्याल रखना, सारांश को अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारांश के साथ इतनी लापरवाही करने की, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ सारांश के लिए ही की है। महिमा ये सारी बात सुनती है और कहती है कि सॉरी रुद्र, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर रुद्राक्ष कहेगा महिमा को दिखाने के लिए कि तुम दोनों की वजह से आज मुझे ये सारांश इतनी सही सलामत कंडीशन में मिला है, और वैसे तो मुझे तुम दोनों धोखेबाजों की शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए और तुम्हारी बातें यहाँ सुननी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच कि तुमने सारांश की मदद की। लेकिन अब प्रशा, तुम अपना ये युवराज को लेकर के यहाँ से दोनों चले जाओ। और महिमा के सामने रुद्राक्ष और प्रशा आंखों ही आंखों में बात करते हैं, जहाँ पर प्रशा को युद्र बताता है कि हाँ अर्जुन वर्मा मान गया है, और प्रशा काफ़ी सुकून भरी सांस लेती है और युवराज को वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ पर शो का टाइटल ट्रैक बनेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि रुद्र प्रशा एक दूसरे से अलग होते हुए अपने इमोशंस को दबा करके अपने अपने फेक पार्टनर्स के साथ चले जाएंगे।
जैसे ही रुद्र घर पहुंचेगा, रात का समय हो जाएगा जहां पर महिमा सोचेगी कि रुद्राक्ष, तुमने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन तुमने अब तक मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बाद तुम्हें मुझे अपनी पत्नी मानना ही पड़ेगा। और वो सोचती है कि क्यों ना रुद्राक्ष का फ़ायदा उठाया जाए और इस मौके को और भी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाए। प्रेशा की एब्सेंसी में रुद्राक्ष को वो जूस में कुछ नींद की गोली मिलाकर के देगी और उसके कमरे में जाएगी। रुद्राक्ष महिमा से कहता है कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो, तो महिमा उसको एक्सक्यूज देती है और बोलेगी कि तुमने आज डिनर भी नहीं किया इसलिए तुम्हें भूख लगी होगी, अगर तुम कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हें वीकनेस आ जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, प्लीज़ इसे पी लो। रुद्राक्ष मना करता है लेकिन महिमा बार बार इंसिस्ट करती है। रुद्र सोचता है कि जब तक मैं ये जूस नहीं पीऊँगा ये मेरी जान खाने के लिए यहीं खड़ी रहेगी, इससे बेटर है मैं जल्दी से ये जूस पी लेता हूँ। जैसे रुद्राक्ष जूस पीता है उसे थोड़ा सा नशा होने लगता है और वो कहता है महिमा से कि तुम जाओ और जाकर मेरे रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दो और यहां से चली जाओ। लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष अपने बेड की तरफ मुड़ता है उसे इतनी तेज चक्कर आता है कि वो गिर जाता है। महिमा उसे सहारा देती है, उसे कमर से पकड़ती है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम मेरी कमर से हाथ हटाओ और तुम यहाँ से जाओ, तो महिमा कहती है कि डोंट वरी मैं चली जाऊँ कि मैं सिर्फ तुम्हें बेड तक पहुँचा रही हूँ। रुद्राक्ष ये कहकर कि बहुत ही बुरी तरह से बेहोश हो जाता है और महिमा उसे बेड पर लेटाकर उसके और भी ज़्यादा करीब आती है और उसके साथ ऐसी वैसी हरकतें करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा को बहुत ही डरावना और बुरा ख्वाब आएगा जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगी और वो सारांश को कॉल करने का सोचेगी, तो दूसरी तरफ सारांश भी सोया नहीं होगा, वो जाग रहा होगा। प्रिशा का कॉल आते ही वो खुश हो जाएगा और कहेगा कि मम्मा मैं अभी सोया नहीं हूँ, वैसे तो रुद्र मुझे सुलाने आए थे लेकिन पता नहीं महिमा मम्मा और रुद्राक्ष कहाँ चले गए हैं। प्रिशा को शक होता है और वो कहती है कि बेटा जाकर तुम मेरा एक काम करोगे, जैसा मैं कहूँगी वैसा कहोगे, तो सारांश भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मामा जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, तो बताइए मुझे क्या करना है। जैसे ही महिमा रुद्राक्ष के करीब जा रही होती है वो एक एक करके उसके शर्ट के बटन ओपन कर रही होती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से होती है सारांश की एंट्री और वो चिल्लाकर पूछता है कि आप ये क्या कर रही हैं, रुद्राक्ष के साथ आप ये क्या कर रही हैं। महिमा बहुत ही ज़्यादा सख पका जाती है और वो कहती है कि बच्चा रुद्र बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए मैं उसकी शर्ट उतार रही हूँ ताकि उसे अच्छा फील हो। सारांश उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि नहीं, उनको शर्ट उतारने से नींद नहीं आती, उनको मेरा हाथ पकड़कर सोने की आदत है और इसीलिए उन्हें नींद नहीं आ रही होगी, डोंट वरी मैं आता हूँ। और सारांश चढ़कर उन दोनों के बीच में बेड पर रुद्राक्ष से चिपक कर सो जाता है। महिमा सारांश को घूर कर देखती है और मन ही मन सोचती है कि अगर तू इस घर का वारिस नहीं होता और तेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं तुझे ये सब करने बिल्कुल नहीं देती और तुझे यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देती, लेकिन मेरा मनी बैंक तो तू ही है इसलिए मुझे तुझे बर्दाश्त करना होगा। और एक तरफ सारांश और एक तरफ रुद्राक्ष, उधर साइड में सो जाती है महिमा। लेकिन सारांश को भी बहुत गुस्सा आता है महिमा के ऊपर और वो जानकर सोने की एक्टिंग करता है और सोते में इधर उधर लात मारता है और धीरे धीरे लात मारते मारते महिमा को बेड नीचे गिरा देता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद सुबह उठकर महिमा क्या लेगी एक्शन सारांश के खिलाफ ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग।